बीबीसी लाइव देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बांधवगढ़ के जंगल में रहने वाले रहवासियों के आवास बनते आ रहे हैं। वहां के निवासियों ने कई बार बताया कि हम लोग जंगल के अंदर निवास करते हैं और वहीं से अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। किसानी के माध्यम से हमारा जीवन यापन चलता है, मगर जंगली जानवर हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिस पर हमें ना तो सरकार की तरफ से कुछ मिल पाता है और ना ही पार्क प्रबंधन कोई सुनवाई करता है। वहीं पार्क प्रबंधन के अधिकारी भी मानते हैं कि ग्रामीणों ने हमारे पास कई बार शिकायत और ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हम ग्रामीण जंगली जानवरों से परेशान हैं। उसी के चलते हमारी टीम ने एक हाथी का रेस्क्यू करने में सफलता पाई है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क अब अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो पार्क के जानवरों के लिए कम पड़ने लगा है, क्योंकि पार्क में अब हर प्रकार के जानवरों की संख्या बढ़ी है। तो वहीं अब मनुष्य और जानवरों के बीच आपसी मतभेद भी दिखने को मिल रहा है। कहीं जानवरों को इंसान मार रहा है तो कहीं जानवर इंसान को मार रहा है। इस बात को जानने के लिए जब हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट की तो पड़ताल के दौरान पता लगा कि इंसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित नजर आ रहा है। लेकिन इंसान ने तो बता दिया कि वह जानवर से परेशान है, मगर वही जानवर मूक प्राणी होता है। वह कैसे बताए कि मेरे जंगल में बाहर के लोग आकर बस गए हैं, जंगल ही मेरा घर है तो मैं अपनी चीजों का ही दोहन करता हूँ, तो मैंने क्या गलत किया। इस बात को लेकर इंसान और जानवर में आए दिन टकराव की स्थिति बनी रहती है। अब इस बात का संतुलन बनाने के लिए प्रबंधन एक बड़ी अहम भूमिका अदा करता है और जानवर एवं इंसान के बीच एक कड़ी बनता है। इसे दोनों परिस्थितियों में विश्वसनीय कार्य करना पड़ता है, जो वहीं पार्क के लगे गांव में आतंक का पर्याय बन गए। करीब 2-4 एकड़ के अगर सब मिलाया जाए तो 10 थे किसान के नुकसान हुआ। हाँ, आवे तो एक सिकुमार प्रजापति के कहाँ करें जाए, जब कोई सुनाई वाला नहीं है, कोई नहीं यहाँ सुन रहा, न वन विभाग, न राजस्व विभाग, न कोई मंत्री, न मिनिस्टर, कोई नहीं सुन रहा। को बताया ना सर कि कोई यहाँ सुनने ही वाला नहीं, तो जांच कहाँ से करेंगे। कितने हाथी होंगे यहाँ सर? 1-40 का झुंड आता है, 1-6 है, 1-4 है और 1 अकेला है। हाँ, और सबसे दहशत अकेला वाला, वो तो बिल्कुल लगता है आदमी खुद मार डालेगा। अगर उस दिन वो ना भागता तो उसकी जान वहीं चली गई। जैसे उस पार राह से खाने लगे तो बेचारा खटके से उठ के भागो, और हाथी वही रगड़े तो खटके उठ के सब तोड़ दें, और फिर भाग गया। फिर जब ट्रैक्टर लाई के गई तब फिर हाथी मने टूमर से खरी से हटाया गया। बहुत परेशान, टाइगर नहीं करते। हाँ, टाइगर बिल्कुल परेशान नहीं करते। अब कोई बाघ के मुंह में जाए उसे उद्यान कही तो अपन काम तू करबे करी, बाकी अगर टाइगर मिल गया है हम उसको न कुछ करेंगे तो वो हम भी कुछ नहीं करेगा, चले जाएगा अपन। सबसे ज़्यादा हाथी से। हाँ, न सुमर परेशान, हमारे ख्यात गायन रगाड़ दें तो भाग गए, पर हाथी तो मान ली एक दौआ दौ तो एक बार विनती करब तो माँ शायद कसक जा, पर हाथी के नहीं कसक। कितना हाथी है, कहीं वो चार रहता है, कहीं अकेले रहता है, वो बहुत खतरा करता है। अब सरकार से कहा चाहते हैं उसको सुरक्षा करे, हमारी भी करे। हमारे में फायदा है कि उनको जानवर में फायदा, जिन में हो तो उनको तो अपन करें। हाँ, कितनी है वहाँ जाके देखो ना, खेत में कितने पैर बने, उसके कितना नुकसान भाग, कितना रेंगे हैं, कितनी मड़ैया ढोंसे हैं, क्या क्या है वहाँ सब बना है ना खेत में। अब यहीं हम का बताएं, मेरे पास आ जाता है तो उसको फिर बिचकाते हैं, भगाते हैं, तब बरिया खिसकता है, कहूँ दौड़ जा मार डाले तो क्या करें। आदमी जीत सकता है उससे? कोई बड़ा जानवर से तो कोई न जीतेगा, न बाघ से जीतेगा, न हाथी से जीतेगा। और यह सुमर डागर तो थोड़ी बहुत मनई हटा देगा, दांत देगा, खेत में पड़ेगा, उसको तो जुम्मे नहीं है कोई की दांत सक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हम लोगों ने जो हाथी को रेस्क्यू किया है, ये एक एडल्ट एलिफेंट है जो कि 20 से 25 वर्ष की आयु का लग रहा है। ये काफ़ी दिनों से पूरे जंगल में अपने हर्ड के साथ में आया था, लेकिन हर्ड से अलग होकर ये अकेले घूम रहा था,
और इसने पूरे जंगल के पेट्रोलिंग कैंप को नुकसान पहुंचाया, कई वाटर होल्स में जो सोलर लाइटिंग है उसको नुकसान पहुंचाया, और क्षेत्र में भी घूम के गांव में पतौर से लगे हुए गांव में और गढ़पुरी में बहुत सारे ऐसे अन्य गांव में ये आतंक का पर्याय बना हुआ था। बहुत सारे लोगों को इससे डर भी हुआ था और उन लोगों ने अपना ज्ञापन भी हम लोगों को सौंपा था कि इस हाथी से बचाया जाए। बहुत सारी दुर्घटनाएं होते होते बची हैं इस एलिफेंट से। तो जिस तरीके से हाथी अकेले होकर बिहेव कर रहा था, वो लग रहा था कि किसी के जानवर माल को हानि पहुंचा सकता है, और उसकी संभावनाओं को देखते हुए उसको रेस्क्यू करके उसके व्यवहार को समझना ज़रूरी था। इसकी परमिशन के लिए हम लोगों ने लेख किया था और हमें परमिशन प्राप्त होते ही एक महीने से हम लोग इसको ढूंढ रहे थे। एक महीने से ये इसका बिहेवियर इतना अनप्रिडिक्टेबल था कि ये थोड़ी देर के लिए दिखता था और फिर उसके बाद गायब हो जाता था। तो कल जब हमें सुबह इसकी सूचना प्राप्त हुई तो पूरे दलबल के साथ में हम लोगों ने तत्काल इसकी प्लानिंग की, रेस्क्यू की प्लानिंग की, और सभी इक्विपमेंट और सारी प्रिकॉशंस के साथ में एलिफेंट को रेस्क्यू करने के लिए हम लोग दमदमा कैंप फैतौली रेंज में गए। लगभग 70 से 80 के बीच में हमारा स्टाफ था। 5 हाथियों की मदद से इसको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद उसको पूरा ऑब्जर्व किया गया, मेडिकल उसका चेकअप किया गया। मेडिकल के बाद वो चेकअप में फिट पाया गया है, कोई उसको दिक्कत नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मल बिहेवियर उसका ऐसा नहीं लग रहा है। शाम को जब उसको खाने के लिए गन्ने वगैरह दिए गए तो उसने गन्ने वगैरह अच्छे से खाए और शांत रहा। तो अभी उसकी स्थिति को कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसमें विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोग आगे उसको कान्हा में प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।